अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे पास ये एक HD रिसीवर है, GX वाला बोर्ड है इसका। इसमें फॉल्ट है सिग्नल IC का। ये देखो रिसीवर मैंने लगा दिया है। ये देखो यहाँ पे इसकी लेवल कुछ भी शो नहीं हो रहा, 16 लिखा हुआ है इस पे। जब इसका सिग्नल IC काम करने लगता है तो ये इसका लेवल ऊपर नीचे होता है। और इनके वोल्टेज कौन से चेक करने चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सिग्नल IC का जब इशू आता है ना, इसमें कौन से वोल्टेज चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आप देख सकें, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे वोल्टेज आपको चेक करने हैं। ये देखो यहाँ पे कितने वोल्टेज हमको मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे 30-31 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। जब ये ऐसी काम करने लगेगा, ये वोल्टेज ऊपर नीचे होंगे, अप डाउन होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे सिग्नल अप डाउन होंगे वैसे ये वोल्टेज अप डाउन हो गए इसके, जब सिग्नल IC काम करने लग जाएगा। हम ये सिग्नल IC निकाल के इसको वॉश करेंगे, वॉश करके लगाएंगे। यही चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम सिग्नल IC इसमें नया लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसके सिग्नल IC पे वही 16 लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज भी वही है, ऊपर नीचे नहीं हो रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस IC को निकाल के इसको वॉश करता हूँ, फिर से यही लगाता हूँ। चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नया लगाएंगे। हाँ जी दोस्तों, ये देखो मैंने IC निकाल दिया है इसका। ये रहा वो IC, इसको मैंने वॉश भी किया है। यहाँ पे इसको मैंने वॉश किया है, ये पॉइंट बिल्कुल इसके क्लियर हो चुके हैं। अब इस IC को यहाँ पे लगाएंगे। ये IC हम हीट गन की मदद से यहाँ पे लगाएंगे और लगा के आपको दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैंने IC लगा दिया है। देखो यहाँ पे भी रोबा डाल के इसको सोल्ड भी किया है। IC हमारा लग चुका है। अब बारी है इसको पावर देके वही रेजिस्टेंस पे वोल्टेज चेक करने की। पावर मैंने दोस्तों दे दिया है। ये देखो रिसीवर हमारा ऑन हो चुका है। अब वही रेजिस्टेंस पे LMB की तार लगाने से पहले आपको वोल्टेज चेक कराऊंगा, जहाँ पे 30 पॉइंट आ रहे थे। ये देखो ये वो रेजिस्टेंस है। ये देखो यहाँ पे 30 पॉइंट आ रहे थे। अब देखो, अब वोल्टेज इसके अप डाउन आए, जैसे मैंने आपको बोला था। अब हमारा IC काम करने लग चुका है। मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। ये देखो, अब जैसे वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं वैसे हमारे सिग्नल IC के सिग्नल भी ऊपर नीचे होते हैं। मैं फिर से भी आपको दिखाता हूँ वोल्टेज। यहाँ पे देखो, जब आपका IC काम नहीं करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज आपको 30 या 31 पॉइंट मिलेंगे और ऊपर नीचे नहीं होंगे। ये देखो, अब वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब मैं LMB की तार लगा के भी आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने LMB की तार अब लगा दी है। ये देखो रिसीवर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब वही रेजिस्टेंस में मैं वोल्टेज चेक कराता हूँ आपको। ये देखो, अब तार लगाने से, LMB की तार लगाने से कितने वोल्टेज हो गए हैं।
ये देखो अब इसके वोल्टेज ज़्यादा हैं, जब एसी काम करने लग जाता है तो वोल्टेज इसके ज़्यादा भी हो जाते हैं और ऊपर नीचे भी होते हैं, अप डाउन होते हैं, जैसे हमारे सिग्नल आ जाते हैं। जब एसी काम नहीं करेगा आपका, आप LMB की तार भी लगा दें फिर भी आपके वोल्टेज वही के वही रहेंगे। ये देखो अब वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।